व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं सुबह आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। सो गाइस, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि भाई आप जो है अपने पकड़े हुए कबूतर और खरीदे हुए कबूतर का शौक कराओ और आप उनका प्राइस बताओ। लेकिन गाइस, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है यार। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं आप लोगों को एक एक कबूतर पकड़ के उनका शौक कराता हूँ। लेकिन गाइस, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को कोई एक स्पेसिफिक ब्रीड के बारे में बताया जाए। और गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ आज अपनी, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि मेरी फेवरेट ब्रीड के बारे में, मतलब जो हाई फ्लायर ब्रीड है के अंदर से गाइस कुछ ब्रीड है जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है और उस ब्रीड के कबूतर भी मैंने तरीके से अपने पास जो है ज़्यादा है, ठीक है। और गाइस, आज हाई फ्लायर में से ऐसी दो ब्रीड है, एक तो है भाई बाजरे कबूतर और दूसरे हैं जीरे कबूतर। आपको भी पता है भाई मेरे को जीरे कबूतर कितने ज़्यादा पसंद है, बाजरे कबूतर भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और गाइस, इस समय अपने पास ये दो ब्रीड के कबूतर काफ़ी ज़्यादा है। मैंने सोचा क्यों आप लोगों को आज की वीडियो में इनका शौक कराया जाए। लेकिन गाइस, मैं जो है आप लोगों को अपने जीरे और बाजरे दोनों ही कबूतर का आज की वीडियो में शौक नहीं कराने वाला हूँ, क्यों मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बाजरे कबूतर का अपना कलेक्शन है वो दिखाने वाला हूँ। उनको मैंने कितने का खरीदा है या पकड़ा है वो बताने वाला हूँ। क्योंकि गाइस, अगर मान लो मैं अपने बाजरे कबूतर और जीरे कबूतर दोनों ही दिखाने लग जाता हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वीडियो में मज़ा नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बाजरे कबूतर दिखाने वाला हूँ। जितने भी मेरे पास बाजरे कबूतर हैं सबका आज की वीडियो में शौक कराऊंगा और बताऊंगा कि ये कबूतर मेरे पास कहाँ से आया। अभी गाइस, आप लोगों के सामने मेरा ये कबूतर है, सबसे पहला जो बाजरी नस्ल में है, लाल बाजरा कबूतर हमारा। तो ये देख सकते हो गाइस, इसकी कुछ ये है आइस, वाइट आइस का कबूतर है। इस साइड भी कुछ ऐसी वाइट आइस। और जो गाइस मैं बताऊं कि जो बाजरे कबूतर का मेन पहचान क्या होता है वह भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये आप देख सकते हो गाइस, ये जो इनका गला है यहाँ पे कुछ इस टाइप से स्पॉट रहता है। जितने भी आपको बाजरे कबूतर मिलेंगे उनमें सभी में कुछ इसी टाइप के स्पॉट रहेगा। वो लाल भी हो सकता है, काला हो सकता है या फिर कासनी में भी हो सकता है। और लेकिन गाइस, वो जो अगर ऐसा ऐसा स्पॉट आता है तो वो जो है बाजरे ब्रीड में आ जाते हैं, ठीक है। और ये देख सकते हो गाइस, इसके ये है कुछ कुंदे और इसके गाइस मैंने आधा पर काट के रखे हैं, इसलिए क्योंकि भाई ये कबूतर काफ़ी ज़्यादा उड़ता है और मुझे इसकी ब्रीड बनानी थी अपने छत पे और ये जो है रुक नहीं रहा था, ठीक है। तो इसके चार पर मैंने छोड़ के इतना पर काट दिया है और इधर से भी कुछ ऐसा है। अभी भी गाइस ऐसा नहीं कि ये रुक जाता है, कभी कभी उड़ जाता है लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं रह पाता और ये जो है जल्दी से नीचे आ जाता है। ये भाई कुछ इसकी टेल, ठीक है। ये गाइस इसके कुछ पंजे, वाइट नाखून में कबूतर है ये और काफ़ी ज़्यादा शानदार है, ठीक है। और गाइस, बात की जाए जो आप लोगों का सबसे ज़्यादा कमेंट्स आता है कि भाई आप अपने कबूतर का शौक कराओ और उनके प्राइस बताओ कि आपने उस कबूतर को कितने में ख़रीदा है। तो गाइस, ये कबूतर को हम लोगों ने पकड़ा है, आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन लोगों को पता होगा कि ये कबूतर हम लोगों ने पकड़ा हुआ है। तो इसका प्राइस क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मार्केट में आप जाते हो इस टाइप का कुछ कबूतर ख़रीदते हो तो वो भाई आपको 300, 500, 1000, 1500 तक आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन गाइस, बात होती है ऐसा नहीं कि जो कबूतर सेम दिखता है उसी नस्ल में है वो वैसा ही हो। सब कबूतर गाइस अलग होते हैं, उनका ब्लड लाइन अलग होता है, उनके माँ बाप का जो रिकॉर्ड है, जो पेडिग्री है वो अलग होती है। और गाइस, ये कबूतर काफ़ी ज़्यादा शानदार उड़ता है, इसीलिए जो है मैंने इसको अभी तक अपने छत के ऊपर रखा हुआ है। और जैसा कि आप देख भी सकते हो, ये रुक नहीं रहा था तो मैंने इसका पर भी कैच कर दिया है जिससे कि ये मेरे छत पर रुका रहे और मैं जो है इसका ब्रीड बना सकूँ, ठीक है। तो जो गाइस इस टाइप के कबूतर होते हैं जो इतने अच्छे ब्लड लाइन में होते हैं, ऐसे कबूतर जल्दी कोई सेल नहीं करता, ठीक है। ऐसे कबूतर भाई किसी वजह से निकल जाते हैं तो अपने छत पे उतर जाते हैं, नहीं तो भाई आप सोचोगे कि ऐसे ऐसे कबूतर आपको ख़रीदने को मिले। जिसके पास ज़्यादा हो जाते हैं वो सेल करता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल से वह भी भाई अपने कोई पहचान वाले को ही सेल करेगा, ठीक है। तो गाइस, ये है मेरा पहला कबूतर, ठीक है, जिसको हम लोगों ने पकड़ा ही था। अब आपके सामने लाता हूँ मैं अपना दूसरा कबूतर जो कि बाजरे ही नस्ल में हो। और अभी गाइस आप लोगों के सामने है ये दूसरा कबूतर, ये कासनी, जो हमारे घर का ही पट्टा है। मुझे पता है आप में से शायद कुछ लोग सोच रहे हो कि भाई ये तो कासनी कबूतर है, आप इसे बाजरा कबूतर क्यों बता रहे हो। तो गाइस, ये जो कासनी है ना, ये इसका कलर है, इसकी ब्रीड नहीं है। हम लोग इसको कासनी बोलते हैं इसके कलर को देख के, ठीक है, कि क्योंकि ये जो है कासनी कलर में, इसका एक गर्दन कासनी में है, इसकी जो टेल है यह भी कासनी में है। लेकिन ये गाइस ब्रीड में कासनी नहीं है, ठीक है। इसकी जो गाइस ब्रीड है वो है भाई बाजरे कबूतर। ये भी बाजरों में से ही है, जो जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में पहचान बताया कि जो कबूतर की, बाजरे कबूतर की क्या पहचान होती है वो आप देखो। यही गाइस जो स्पॉट आपको दिख रहा है कासनी में, यही जो इससे पहले मैंने आप लोग को कबूतर दिखाया कुछ इसी टाइप से स्पॉट उसके ऊपर भी था, लेकिन वो लाल कलर में था, इसीलिए हम लोग उसको लाल बाजरा बोलते हैं। और गाइस, ये जो है कासनी में है, इसीलिए इसको जो है हम लोग कासनी बोलते हैं। लेकिन ये भी जो है इसकी जो ब्रीड है वो बाजरे में से है, ठीक है। और ये गाइस मेरे घर का ही पट्टा है, ये देख सकते हैं कुछ इसके कुंदे, और कुंदे में गाइस इसका लालपन है, ये देखो, ठीक है। और गाइस, इसका जो बाप है वो भी अभी हमारे पास है, उसका भी मैं आपको शौक कराऊंगा। ये देखो कुछ इधर के कुंदे, और ये है गाइस टेल इसकी, बिल्कुल बंद पूंछ,
ठीक है, बड़े साइज़ में कबूतर है ये, कुछ इसके पंजे। और गाइस अब बात की जाए इसकी प्राइस की, तो ये कबूतर जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता ही दिया, ये कबूतर जो है हम लोगों ने ख़रीदा नहीं है, ये हमारे घर का ही पट्टा है, ठीक है। तो गाइस इसकी प्राइस मुझे नहीं पता, अगर आप ऐसे भी कबूतर लेते हो तो गाइस वही रेंज में हाई फ्लायर आपको मिलते हैं, 300 से स्टार्ट होते हैं और आप लोग को मैक्सिमम 1500 तक मिल जाते हैं। लेकिन बात वही होती है कि आपको उस ब्लड लाइन में मिलना काफ़ी ज़्यादा, मतलब अच्छे ब्लड लाइन में आपको कबूतर मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं। सेम कबूतर भाई आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। तो गाइस इस कबूतर को भी छोड़ देते हैं, अब आपको दिखाते हैं कोई दूसरा कबूतर। और गाइस अभी जो है ये तीसरा कबूतर, ये भी गाइस बाजरे नस्ल में से है, वाइट है इसका, ये देखो, ठीक है, दोनों आँख जो है कुछ सेम। ये गाइस इसके कुछ कुंदे, ये देखो, और गाइस ये है कुछ इसकी टेल। ये जो है भाई एक लौता मेरे पास बाजरा कबूतर है जो खुली पूंछ में है, ठीक है, ये देखो। और गाइस ये है इसके कुछ पंजे, ठीक है। और गाइस इस कबूतर में भी आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि बाजरे कबूतर की पहचान क्या होती है, वही चीज़ आप जो है इसमें भी नोटिस कर सकते हो। यहाँ तक जो है स्पोर्ट रहेगा, ये जो पूरा गर्दन है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है स्पोर्ट रहता है, ठीक है। और गाइस कुछ कबूतर ऐसे भी आते हैं जो पूरे भरे गर्दन में होते हैं, वो आपको देखने में लगेंगे वो कलसरे होते हैं, लेकिन उनमें भी जो है बाजरे कबूतर आते हैं। उसमें भी मेरे पास एक है, उसका भी मैं आपको शौक कराता हूँ, ठीक है। और गाइस अब बात की जाए इस कबूतर की प्राइस की, तो ये कबूतर को भी जो है मैंने पकड़ा हुआ है, इसको भी मैंने ख़रीदा नहीं हुआ तो मैं आपको प्राइस नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप ऐसे कबूतर भी खरीदने जाते हो तो आपको वही 300 से लेकर 1500 के रेंज में मिल जाते हैं, ठीक है। और अभी गाइस आप लोगों के सामने मेरा एक सबसे ज़्यादा पुराना कबूतर और सबसे ज़्यादा स्पेशल कबूतर, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन लोगों को तो इस कबूतर के बारे में पता ही होगा इसकी क्या स्टोरी है, इसके ऊपर भी मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो गाइस ये भी जो है भाई बाजरे नस्ल का कबूतर है, और जो मैंने आप लोगों को एक कासनी पट्टा दिखाया जो बाजरे में था वो गाइस इसी का बच्चा था, ठीक है। ये उसका बाप है, और देख लो इसमें भी कुछ वही स्पॉट है यहाँ तक, लेकिन गाइस ये लाल कलर में है, ठीक है। ये देखो, ये गाइस कुछ इसके कुंदे, इधर के भी कुंदे का शौक करो। और ये गाइस इसकी टेल भाई, बिल्कुल एक पत्ते का जिसे कबूतर बोला जाता है ना वो चीज़। और गाइस ये मेरा मतलब एक तरीके से कह सकते हूँ मेरा फेवरेट कबूतर में से है, काफ़ी ज़्यादा मेरे को ये कबूतर से लगाव है। और ये भाई कुछ इसके पंजे, ठीक है। और गाइस बात की जाए जो आप लोगों का सबसे ज़्यादा डिमांड होता है, भाई प्राइस बताओ प्राइस बताओ, तो गाइस ये कबूतर भी जो है मैंने पकड़ा हुआ है। जब मैंने कबूतर पालने की स्टार्टिंग किया था तो ये कबूतर अपने छत के ऊपर आके बैठ गया था, उस समय ये बीमार था, लेकिन हम लोगों ने इसको पूरा इलाज करके ठीक कर दिया। और गाइस तब से जो है ये कबूतर मेरे पास है, जब से मैं कबूतर पालने का स्टार्टिंग किया था तब से, ठीक है। और गाइस अभी जो है हमारे छत का एक तरीके से कह सकते हो सबसे ज़्यादा पुराना कबूतर कोई है तो एक ये है, और एक हमारा पुराना काला वाला कबूतर है, ठीक है, ये देखो। तो गाइस अभी जो है आप लोगों को और एक बाजरे कबूतर का मैं शौक करा। गाइस अभी जो है आप लोगों के सामने ये एक फीमेल जो बाजरे नस्ल में है, ठीक है, ये देखो। और गाइस जिन लोगों को नहीं पता होगा वो इसको बोलेंगे भाई ये कलसरा कबूतर है, लेकिन ये कलसरा कबूतर नहीं है, ये भी गाइस गोल्डन में से आता है, ये भी एक बाजरी ब्रीड है, ठीक है। ये भी गाइस बाजरा कबूतर है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि कुछ बाजरे ऐसे भी आते हैं जो भरे गर्दन में होते हैं, देखने में ऐसा लगता है कि भाई वो कलसरे हैं, लेकिन गाइस ये कलसरे नहीं होते, इसको गाइस बोला जाता है भाई गोल्डन बाजरी कबूतरी, ठीक है। ये देखो वाइट आइज़ में ये भी है, इस साइड के भी आँख देख लो, ये देखो, ठीक है। ये गाइस कुछ इसके कुंदे, यहाँ तक गाइस वाइट पर है, और जितने भी पर है इस साइड के वो ब्लैक है, और कुछ इस साइड के भी जो पर हैं इसी टाइप से, पूरे एक पत्ते की फीमेल जिसे बोला जाता है भाई एकदम बंद पूछ वो फीमेल है, ठीक है, ये देखो। और ये गाइस कुछ इसके पंजे। और गाइस ये फीमेल की भी प्राइस मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये भी जो है वो पकड़ी हुई है, ठीक है। जब गाइस मैंने कबूतर पालने का स्टार्ट किया था उसके कुछ टाइम के बाद ये फीमेल को हम लोगों ने जो है पकड़ा था, काफ़ी समय से जो है ये मेरे ही पास है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे ब्लड लाइन में, इसीलिए गाइस मैंने इतने सारे जो बाजरे कबूतर आप लोग को दिखाए वो सभी को रखे हुए, क्योंकि वो सबके सब कबूतर मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, उन्हीं में से गाइस ये है, ठीक है, ये देखो। तो गाइस अभी जो है मैं इसको भी छोड़ देता हूँ। मैंने जो है आप लोगों को अपने सभी बाजरे कबूतर का शौक करा दिया है, मेरे पास जितने 5-6 कबूतर बाजरे ब्रीड में उन सभी का मैंने आप लोगों को अच्छे से पकड़ के शौक कराया है, प्लस ये भी बताया है कि भाई मैंने उसको ख़रीदा है कि पकड़ा हुआ है, उसका क्या प्राइस है, ठीक है, क्या रेंज में वो मिलते हैं। और आप लोगों ने जितने भी कबूतर देखे होंगे उनमें से गाइस मैंने एक भी कबूतर को जो है ख़रीदा नहीं है, वो कबूतर ज़्यादातर पकड़े हुए हैं और एक कबूतर जो है मेरे घर का पट्टा है। और गाइस उसका रीज़न ये है कि अगर आप कोई कबूतर ख़रीदते हो तो इतने अच्छे कबूतर आप कितना भी खोज लो जल्दी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो गाइस भागे हुए कबूतर होते हैं उनमें से कोई कुछ कुछ कबूतर ऐसे निकल जाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए रहते, मतलब वो कोई ना
किसी के पास अच्छे कबूतर होते हैं वो उड़ाता है, तो चील बैरी के वजह से या फिर हवा के वजह से कभी कभी निकल जाते हैं, और वो गाइस जब कबूतर आपके छत पे आते हैं ना, तो भाई वैसे कबूतर अगर आप ढूंढते ढूंढते मर जाओगे, लेकिन वैसे कबूतर मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और उसी में के कुछ 5-6 मेरे पास बाजरे नस्ल में कबूतर है जिनको मैंने संभाल के रखा हुआ है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि ये कबूतर आप लोगों को कैसे लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ठोक देना, चैनल पर नया हुआ फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। सो गाइस मिलते हैं फिर से और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।